नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल के सभी टाइप्स को समझने वाले हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल होते हैं, कई प्रकार के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन, प्रोटोकॉल की वर्किंग और सभी प्रकार के प्रोटोकॉल को उनके फुल फॉर्म के साथ सीखने वाले हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रोटोकॉल से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का क्या उपयोग होता है, किसी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं, मैक्सिमम प्रोटोकॉल को कवर करने वाले हैं। पहले हम प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन समझेंगे, प्रोटोकॉल की वर्किंग को समझेंगे, उसके बाद सभी प्रकार के प्रोटोकॉल को वन बाय वन समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, देखते हैं प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का ग्रुप होता है। जब भी कोई कम्युनिकेशन की जाती है, कभी भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उस कम्युनिकेशन को करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। यदि हमें एक ग्रुप में कम्युनिकेशन करनी है, कुछ लोगों को आपस में बात करनी है, तो बात करने से पहले कुछ रूल्स डिसाइड करने होंगे। बिना रूल्स को डिसाइड किए हुए कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो सकता, बातचीत सही तरीके से नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टीपल डिवाइस होती हैं। वह सभी डिवाइस कम्युनिकेशन करते समय कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, तभी सही प्रकार से कम्युनिकेशन हो सकता है। तो नेटवर्क में जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन को करते समय कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है प्रोटोकॉल। यदि प्रोटोकॉल नहीं होते तो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन को सही तरीके से कराने के लिए नेटवर्क में क्या यूज किए जाते हैं, प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो प्रोटोकॉल होते क्या हैं? प्रोटोकॉल कुछ रूल्स का सेट होते हैं, जिनका उपयोग किसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। तो प्रोटोकॉल कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन का ग्रुप होते हैं, जिनका उपयोग नेटवर्क में सही प्रकार से कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। यहां पर हम एक डायग्राम के थ्रू प्रोटोकॉल को समझने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, ये सेंडर है जो कि डेटा को भेजेगा, सेंड करेगा। यह रिसीवर है जो कि डेटा को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना है या दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन करते समय दोनों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उन रूल्स को ही क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल। यदि दोनों में से कोई भी एक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो कम्युनिकेशन सही तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है दो यूजर्स के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में, तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। वह प्रोटोकॉल रूल्स और रेगुलेशन का ग्रुप होते हैं। मतलब किसी कम्युनिकेशन को सही तरीके से कराने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यूज किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। तो अभी हमने प्रोटोकॉल क्या होता यह समझा, अब हम देखते हैं प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रोटोकॉल का क्या फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर हम लगभग 20 प्रकार के प्रोटोकॉल को समझने वाले हैं। फर्स्ट स्लाइड पर हमारे पास लगभग 10 प्रोटोकॉल हैं और 10 प्रोटोकॉल हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हमें पढ़ने मिलेंगे। तो पहला प्रोटोकॉल जो है उसका नाम है टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी का है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आपको यहां पर फुल फॉर्म तो याद करने हैं, साथ ही साथ किस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है वह भी समझना है। टीसीपी और यूडीपी में दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड और यूडीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है मतलब यह डेटा को सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में
एक कनेक्शन को क्रिएट करता है और कनेक्शन को चेक करता है। यदि कनेक्शन सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता है तभी यह डेटा को ट्रांसफर करता है। यदि कनेक्शन टेस्ट नहीं होता है, कनेक्शन चेक नहीं होता है, तो टीसीपी डेटा को ट्रांसफर नहीं करता है। मतलब टीसीपी प्रोटोकॉल डेटा को सेंड करने की गारंटी देता है। यह सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले एक कनेक्शन चेक करेगा, यदि कनेक्शन सही होगा तभी डेटा को ट्रांसफर करेगा। इसीलिए टीसीपी को बोला जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, कनेक्शन पर आधारित प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि यूडीपी है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब है यह डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन को चेक नहीं करता है। टीसीपी डेटा को भेजने से पहले कनेक्शन को चेक करता है, जबकि यूडीपी डेटा को भेजने से पहले कनेक्शन को चेक नहीं करता है। इसीलिए टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जबकि यूडीपी होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो आपको ये दो क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एचटीटीपी। एचटीटीपी जिसका यूज इंटरनेट पर सबसे अधिक किया जाता है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो आपको उसका यूआरएल टाइप करना होता है, एड्रेस टाइप करना होता है, वह है सबसे पहले एचटीटीपी प्रोटोकॉल से ही स्टार्ट होता है। जब भी किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप किया जाता है तो उसमें सबसे आगे लगा होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एचटीटीपीएस, जो कि एचटीटीपी का न्यू वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि एचटीटीपीएस है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एचटीटीपी में सिक्योरिटी कम थी, उससे ज्यादा सिक्योरिटी होती है एचटीटीपीएस में, और एस का मतलब है सिक्योर। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एफटीपी। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर किसी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एसएमटीपी। एसएमटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल के लिए काम में आता है, ईमेल को सेंड करने के काम में आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है पॉप, पीओपी, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पॉप प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा डीएचसीपी। डीएचसीपी जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा डीएनएस। डीएनएस जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एसएनएमपी। एसएनएमपी जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कई प्रकार के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। हमने सभी प्रोटोकॉल के शॉर्टकट और उनके फुल फॉर्म को देखा। अभी हमने लगभग 10 प्रोटोकॉल को समझा है। अब हम बाकी के जो हमारे 10 प्रोटोकॉल हैं उनको भी समझते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट स्लाइड पर मिलेंगे। अगला जो प्रोटोकॉल है हमारा वह है एआरपी। एआरपी एआरपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा आरटीपी। आरटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आज की वीडियो में हम सभी प्रोटोकॉल के केवल शॉर्टकट और फुल फॉर्म समझ रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम एक एक प्रोटोकॉल को उसकी कंप्लीट डिटेल के साथ भी समझेंगे। आज की वीडियो में केवल हम प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन, प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं और किस प्रोटोकॉल का क्या फुल फॉर्म होता है, यह सीखने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम एक एक प्रोटोकॉल को कंप्लीट डिटेल में भी समझने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा आईआरसी। आईआरसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट आईआरसी। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एसएफटीपी। एसएफटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है
सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा आरपीसी, आरपीसी जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। आरपीसी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है पीपीपी, यह बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। पीपीपी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एसएसएच, एसएसएच जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट सेल, सिक्योर सॉकेट सेल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एनटीपी, एनटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा आरडीपी, आरडीपी जिसका फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एसआईपी, एसआईपी जिसका फुल फॉर्म होता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, यह सेशन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा आरपीसी, आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल होता है, जो कि यहां पर रिपीट हो गया, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं इसको। और लास्ट हमारा प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, आईसीएमपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहां पर आईसीपी प्रोटोकॉल को रिपीट किया गया है। पीसी का फुल फॉर्म होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, जो कि यहां पर रिपीट है, दोनों का फुल फॉर्म एक ही होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो आज की वीडियो में हमने लगभग 20 प्रकार के प्रोटोकॉल को समझा, उनके फुल फॉर्म को समझा और प्रोटोकॉल होता क्या है यह भी समझा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हमने केवल प्रोटोकॉल के इंट्रोडक्शन को समझ लिया, उसकी वर्किंग को समझ लिया और प्रोटोकॉल में किसका क्या फुल फॉर्म होता है यह समझा। आने वाली वीडियोस में हम एक एक प्रोटोकॉल को कंप्लीट डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।